इफ योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, या अगर वो एग्जाम्स होने वाले हैं, आपका टाइम टेबल नहीं बना, या फिर कोई सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, एंड इस वीडियो का बेस्ट पार्ट जो है वो ये है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी सो यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल. हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज प्रज्ञा एंड यू आर वॉचिंग द ग्लैम हैक्स. एंड थंबनेल से तो आपको पता चल गया है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना टाइम टेबल खुद कैसे बना सकते हो. सो दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ 100% रियलिटी. दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग टाइम टेबल बना सके. सो मैंने सोचा कि कब तक आप ऐसे हेल्प मांगते रहोगे, दी प्लीज़ मेरे लिए टाइम टेबल बना दो, दी प्लीज़ मेरे लिए टाइम टेबल बना दो. तो अगर मैं बना भी दूँ ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. हर क्लास के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाने में जितना टाइम लगेगा उतने में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप वेट ही करते रह जाओगे. सो दैट्स वाई मैंने ये वाला वीडियो बनाने का सोचा. सो इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आपको पूरे तरीके से फॉलो करना है. किस तरीके से आपको अपना डे प्लान करना है, आपके दिन की शुरुआत आपको कैसे करनी है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आप इसमें सीखने वाले हो. सो वीडियो को पूरी देखना एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन गिव मी अ थम्स अप. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट. ओके सो मॉर्निंग से शुरू करते हैं. एंड मॉर्निंग में आपको क्या करना है, यू शुड वेक अप अर्ली. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको 4 बजे उठना है, आपको 3 बजे उठना है, आपको 5 बजे उठना है. कोई भी ऐसा अर्ली मॉर्निंग राइजर नहीं होता है. सो डोंट वरी, आप अगर मॉर्निंग में 6 बजे या 7 बजे तक भी उठ जाते हो तो भी ये इनफ है. सो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला काम जो है वो आपको क्या करना है, यू शुड हैव सम वाटर. सो आप 2 ग्लास, 3 ग्लास, 1 ग्लास जितना भी आप पानी पी सकते हो आप पियो. एंड पानी जो पीते हो ना वो मेक श्योर कि प्लास्टिक की बॉटल में ना हो, वो स्टील की बॉटल में या फिर कॉपर की बॉटल में हो. वो थोड़ा सा अगर ल्यूक वार्म वाटर हो तो बेस्ट है. एंड इसके बाद आपको कुछ स्नैक्स लेने हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं. सो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग की जो फर्स्ट डाइट है, अ हैंडफुल नट्स एंड आलमंड्स कुछ भी आप ले सकते हो. और क्योंकि आपकी एज नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप टी या कॉफ़ी लो, आपको टी कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं लेना है. आपको फर्स्ट डाइट आपकी यही लेनी है. एंड ऑफ कोर्स आपको हैवी ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले आपको पानी से रिलैक्स हो जाना है, एक्सरसाइज वगैरह कर लेनी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको मॉर्निंग में करनी ही है. सो इससे क्या होता है ना कि आप बहुत फ्रेश फील करते हो, एक्टिव फील करते हो. एंड थर्ड टिप ये है मॉर्निंग के लिए कि आप मॉर्निंग में कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो. सो इससे क्या होगा, यू विल फील मोर एनर्जेटिक होल डे. उसके बाद आपको अपना मॉर्निंग का फर्स्ट स्टडी सेशन लेना है. सो इसमें मैं कोई टाइम फिक्स नहीं कर रही हूँ कि आपको कब करना है, टाइम आपको खुद फिक्स करना है कि आपको कब कब ये चीज़ें करनी है. सो अगर आप 6 बजे उठते हो तो मे बी आप 1 घंटे बाद अपने अपना फर्स्ट स्टडी सेशन ले सकते हो. सो फर्स्ट स्टडी सेशन में क्या होगा, चूज़ द डिफ़िकल्ट वन. सो आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस, मैथ, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब्जेक्ट जो भी आपको टफ लगता है ना आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो. सो जो भी टफ सब्जेक्ट है उसको आप मॉर्निंग में फर्स्ट अपना टास्क बना लो और उसे सबसे पहले करो. क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपको पूरे दिन के लिए मोटिवेशन मिलती है, आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको आगे और पढ़ना है. क्योंकि अगर आपने मॉर्निंग में इजी सब्जेक्ट उठा लिया पढ़ने के लिए ना तो फिर आप फील करोगे कि अरे वाह मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तो सब कुछ तैयार है, ऐसा वाला फील आएगा. सो डोंट डू दिस एंड यू शुड टेक टफ वन. आफ्टर यू फिनिश योर फर्स्ट स्टडी सेशन यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट. एंड ब्रेकफास्ट में आपको हेल्दी चीज़ें खानी हैं, आपको मिल्क ज़रूर लेना है, 1 ग्लास मिल्क, सम ग्रीन वेजेस, ओट्स, कुछ दलिया, खिचड़ी, कुछ इस टाइप का आपको ब्रेकफास्ट में खाना है. और मॉर्निंग में एक ड्रिंक आपको ज़रूर लेना है. अगर आप जूस ले सकते हो तो जूस ले लो, अगर आप मिल्क लेते हो तो आप मिल्क ले लो, बट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ एक ड्रिंक आपके पास ज़रूर होना चाहिए. और इसके बाद अब आपको करना है डिवीज़न. मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको पूरे दिन का रूटीन तो बताऊंगी कि कैसे बनाना है, बट टाइम मैं नहीं बताऊंगी कि किस टाइम पे आपको क्या करना है. सो लेट्स मेक इट ईजी. सो मॉर्निंग का जो टाइम था वो आपको ये रखना है शेड्यूल. एंड नेक्स्ट जो
आपका टाइम आता है वो होता है मिड ऑफ द डे, एंड उसमें क्या करना है आपका, आपकी क्लासेस होती हैं तो आपको क्लासेस करनी है, आपको स्कूल जाना है, मे बी एग्जाम के पहले आपकी क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, आपको ऑफ मिल गया है, आप घर पे हो, घर से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको खुद अपना स्टडी, जो आपका जो टॉपिक है, आपके जो सब्जेक्ट्स है, उनको डिवाइड करना है. मान लो आपके लिए मैथ्स टफ सब्जेक्ट है ना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम रखो, एंड जो उससे थोड़ा इजी है, मान लो साइंस उससे थोड़ा इजी है, तो साइंस के लिए थोड़ा सा कम टाइम रख लो, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसके लिए थोड़ा और कम टाइम रख लो. तो इस तरीके से करना है. बट आप ये बिल्कुल मत सोचना कि जो भी सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी लगते हैं आप उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे. प्लीज़ डोंट डू दिस. आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ना है बट उसको थोड़ा कम टाइम देना है. सो आपको इस तरीके से दिन में हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है जिसमें कि आप उसको रिवीजन कर सको. होमवर्क का टाइम तो गया क्योंकि अब हम एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं. सो आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सको, आपको वो चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो सके, जो भी कंफ्यूजन है वो आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, अपनी टीचर से बाद में आप उसके बारे में डिस्कस कर लेना. सो नेक्स्ट डे जो भी डाउट होगा वो आप अपनी टीचर के साथ कंफर्म कर सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो. सो ये तो हो गया डिविजन कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है. आपको जो भी टफ लगता है उसको ज़्यादा टाइम देना है और जो भी ईजी लगता है उसको सबसे कम टाइम देना है. दिस इज मोस्ट क्लियर. इसके बाद आपको क्या करना है कि एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा आपको ब्रेक लेना है. सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टेक ब्रेक्स. तो जब भी आप स्टडी सेशन लेते हो, जब भी आप पढ़ाई करते हो, आपका स्टडी सेशन जो है वो हमेशा हाफ एन आवर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए. वैसे तो आपका स्टडी सेशन 3 आवर्स का होगा बट हाफ एन आवर से ज़्यादा आपको एक लगातार एक जगह पे नहीं बैठना है. हर हाफ एन आवर पे आपको 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, थोड़ा मूव करना है, वाटर लेना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, थोड़े बहुत स्नैक्स खाने हैं, कुछ हैवी नहीं खाना, कुछ लाइट सा खाना है, और उसके बाद वापस से पढ़ाई करने बैठ जाना है. एंड ये प्रोसेस आपको 3 आवर्स तक करना है. 3 आवर्स के बाद जब आपका स्टडी सेशन पूरा हो जाए फिर आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है. सो ये वाला ब्रेक जो है ये हाफ एन आवर, 1 आवर या फिर 2 आवर का ब्रेक हो सकता है. डिपेंड्स ऑन यू कि आपके कितने सिलेबस बचे हुए हैं, एग्जाम में कितना टाइम बचा हुआ है, सो उस पर डिपेंड करता है. तो आपको ये डिसाइड कर लेना है सबसे पहले कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, कितना बचा हुआ है, और इसी हिसाब से आपको आपका टाइम मैनेज करना है. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेना है. नेक्स्ट थिंग इज़ कि इवनिंग में आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है, और इवनिंग वाले ब्रेक में आपको टीवी नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना है. थोड़ा बहुत आप टीवी देख सकते हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. ये सारी चीज़ें करने से थोड़ा सा क्या होता है कि आपका मूड चेंज हो जाता है. तो ये भी आपको अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना है. एंड एक चीज़ और आपके टाइम टेबल में होनी चाहिए कि जब भी आप बोर होने लग जाते हो तो आपको टॉपिक चेंज करना है. सो आपको क्या करना है कि जब आप किसी एक सब्जेक्ट से बोर जाते हो तो आपको दूसरा टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है एंड उसको पढ़ने लग जाना है. एंड स्पेशली जब आप स्लीपी फील करते हो, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम कुछ खा लेते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा देर से पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो हमें नींद आने लग जाती है, एंड इट्स कॉमन, तो किसी के भी साथ हो सकता है. सो वेन यू आर फील स्लीपी यू कैन चूज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. तो जो भी टास्क आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप उसे चूज कर सकते हो एंड उस पे फोकस कर सकते हो, उसे कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे कि आपका ये जो लेजीनेस है वो भाग जाएगा एंड आप वापस से अपने अंदर इंटरेस्ट ला पाओगे पढ़ाई के लिए. सो डोंट गेट बोर्ड, जो कि मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था. सो आई होप आपको वीडियो मेरी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी. एंड दिस इज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आने वाला है. सो पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना स्केड्यूल बना सकते हो. सो उसके मैं 2-3 टाइप बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप स्केड्यूल बना सकते हो ऑन पेपर, ऑन वॉल, ऑन अराउंड योर स्टडी टेबल. सो डोंट मिस दैट वीडियो. सो वो वीडियो जो है एक दिन बाद आएगी. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे मोटिवेटेड एंड गुड बाय.